हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अपनी कैन क्लासेस। और आज हमारा ये पार्ट टू है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्लास 10, सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, तो आज हम लोग पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि अभिक्रिया और उत्पाद को सीख चुके हैं कि किसको अभिक्रिया कहते हैं और किसको अभिकारक कहते हैं और किसको उत्पाद कहते हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रासायनिक हम लोग तो अभिकारक और उत्पाद को सीख लिए, लेकिन अभी तक हम लोग को मालूम नहीं कि समीकरण किसको कहते हैं। तो आज हम लोग जो है उसको समीकरण को सीखेंगे। तो आप लोग बहुत जगह किताब में ऐसा बहुत जगह देखोगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मिलकर बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मिलकर बनता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा बहुत किताब में देखूंगा लेकिन समझ में नहीं आता है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा शब्द समीकरण है, ये हमारा शब्द समीकरण, ये हमारा शब्द समीकरण है। इसको हम लोग रासायनिक समीकरण नहीं कह सकते। रासायनिक समीकरण कैसा होता है, अब मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा Mg प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा O2, बनेगा क्या MgO। ये हमारा जो हुआ ये रासायनिक समीकरण हुआ। ठीक है, हमने क्या किया, मैग्नीशियम ये जो शब्द समीकरण था हमने उसको क्या किया, मैग्नीशियम का Mg होता है, रासायनिक सूत्र यानी रासायनिक सूत्र आपको याद करना अनिवार्य है, यानी रासायनिक सूत्र सबसे पहले आपको तो याद करना ही पड़ेगा। अब ऑक्सीजन का O होता है, यहाँ पर मैंने O2 लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड हम बना दिए। तो ये सब जो मैग्नीशियम शब्द समीकरण था उसको मैंने क्या चीज़ में चेंज किया, तो रासायनिक समीकरण में हमने चेंज कर दिया, ओके। तो अब हम लोग को रासायनिक समीकरण को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को लिखना यानी रासायनिक समीकरण को अभिकारक हम लोग जान गए, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं वो भी जान गए, लेकिन क्या कोई इस रासायनिक समीकरण को कहकर देखकर क्या कह सकता है कि सही रासायनिक समीकरण है, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं रहते, ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण यानी दोनों तरफ द्रव्यमान यानी भार, ये जो Mg प्लस O2 का जो भार है वो MgO के बराबर होना चाहिए, यानी दोनों तरफ भार बराबर होना चाहिए। अब जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, हम लोग कुछ मार्केट में सामान खरीदने गए, ठीक है, वहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टमाटर ले लिए फिर से आलू ले लिए और बोले कि दोनों को आप मिलाकर हमको कितना दे दीजिए, तो आप हमको दे दीजिए 1 kg, तो 1 kg का इधर एक बटखारा चढ़ा देगा। ठीक है, 1 kg है, अब मेरे को तो उतना अच्छा बनाने नहीं आता, 1 kg का बटखारा चढ़ा दिया, यहाँ हमने आलू और टमाटर लेकर 1 kg का बटखारा चढ़ाया। तो अब ये जो है आलू और टमाटर दोनों को मिलाकर 1 kg का बटखारा के बराबर और जो भार है होना चाहिए, तभी ये जो हमारा ये तराजू है ये संतुलित होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार रासायनिक समीकरण क्या होता है, दोनों तरफ का द्रव्यमान यानी दोनों तरफ का भार बराबर होना चाहिए, यानी Mg प्लस O2 का जो भार मिलकर बनेगा वही MgO का होना चाहिए, नहीं तो हम लोग को कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो अब आगे हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे या उसी को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज एक दो एग्जांपल लेंगे और अगले वीडियो में फिर देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण ये जान गए कि ये रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीख गए, लेकिन एग्जांपल जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप अच्छा समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं और उसको कुछ को संतुलित करके दिखाते हैं। एक मिनट, सबसे पहले हम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, कंकालिक रासायनिक समीकरण, इसके बारे में आप
नाम सुनकर अजीब लग रहा होगा, कंकाली। ये किस को कहते हैं? कंकाली समीकरण किसको कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण, तो कंकाली रासायनिक समीकरण जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे, तो कंकाली रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन भी हम लिख दिए, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जो असंतुलित है कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर अभी तक भी आप अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण नहीं समझ पाए तो अब आप लोग को 100% ही समझ में आएगा। 100% तो दावा नहीं कर सकते क्योंकि आप कैसे हैं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन 60% आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए हम यहाँ पर ही MgO, तो सबसे पहले Mg, तो यहाँ पर ही मैं एक नोट बनाता हूँ, ठीक है। अब इसके सहारे हम लोग भरेंगे, तो Mg रफ कर लीजिएगा इसको, और इधर हमारा मैं अभिकारक में लिख रहा हूँ, Mg है और O2 यानी ऑक्सीजन है, और मेरा उत्पाद में भी क्या है, तो Mg और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों है ना। तो चलिए इधर Mg कितना है, तो 1, ऑक्सीजन कितना है, तो 2, इधर Mg यानी मैग्नीशियम कितना है, तो 1, और ऑक्सीजन कितना है, तो 1। अब दोनों तरफ हमको संतुलित करना होगा, तो यहाँ Mg तो मेरा संतुलित है यानी दोनों तरफ बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है, इधर भार ज़्यादा है, तब इधर भी भार ज़्यादा करना होगा, क्योंकि हम लोग उतार नहीं सकते, हम लोग सब्जी नहीं बेच रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उतार नहीं सकते, हम लोग को इसमें देना ही होगा। और जब भी आप किसी को पावर दीजिएगा तो यहाँ पर ही आप भूल कर भी नहीं दे सकते, आगे में आपको देना है, ठीक है, आगे में किसी के भी आगे में। तो इधर हम लोग क्या कर दें कि इधर बराबर हो जाए, तो आप पहले देखिए कि Mg तो सबसे बड़ा ये है, यानी इसी को संतुलित करना है, ओ इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर अगर हम ओ को 2 करते हैं तो हमारा Mg भी 2 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इधर 2 कर देंगे, तो अब इधर वाला है जो चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अब ये बन गया 2 और ये बन गया 2, तो इधर मैग्नीशियम को भी 2 करना होगा, इसको 2 को छोड़ देंगे, इसको 2 कर देंगे, यानी आगे में 2 हो जाएंगे। अब ये जो हमारा समीकरण हो गया संतुलित हो गया। चलिए एक दो तो और देखेंगे, अच्छा से समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आसानी से आप लोग देख पाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट माई यूट्यूब चैनल।